नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका उत्सव योगा में। मैं जीत थपलियाल आज आपको 5 ऐसे आसन बताऊंगा जिनसे कि मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल की अनियमितताओं या इररेगुलरिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हम इन सभी को एक क्रम में बताएंगे और प्रारंभ करेंगे सूर्य नमस्कार के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी मैट के पास आ जाएं और एक फीट का डिस्टेंस या दूरी बना लें अपने मैट से। शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार के साथ। दोनों हाथों को सामने जोड़ लेंगे प्रणाम आसन। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर हस्तोत्थानासन, श्वास को छोड़ते हुए पाद हस्तासन। अगर यदि आपके हाथ नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो आप हमेशा अपनी घुटनों को मोड़ सकते हैं इस तरह से। पाद हस्तासन, श्वास लीजिए, दाहिने पैर को पीछे ले जाइए और अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आ जाइए, और श्वास को छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएं पर्वतासन में, और धीरे से अपने घुटनों को, छाती और अपनी थोड़ी या चिन को नीचे रख ले अष्टांग नमस्कार आसन में। श्वास लेते हुए अपने पेल्विक रीजन को नीचे कर ले और ऊपर भुजंगासन में देखिए। अगर ये संभव नहीं है तो अपने एल्बोज को थोड़ा सा आप बेंड कर सकते हैं। भुजंगासन, और श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। अब धीरे से बाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में लाएं और दाहिने घुटने को नीचे कर लें अश्व संचालन आसन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को सामने लाएं पाद हस्तासन। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर जाएं हस्तोत्थानासन, और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। श्वास लेते हुए ऊपर फिर से हस्तोत्थान आसन। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर पाद हस्तासन। श्वास लेते हुए बाएं पैर को इस बार पीछे ले जाएंगे अश्व संचालन आसन, और श्वास को छोड़ते हुए दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे। तो मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला हमारा जो आसन है वो है अधोमुख श्वान आसन। सो अधोमुख श्वान आसन में हमें क्या करना है, मैट जितनी आपकी चौड़ी है उतनी चौड़ाई के अनुसार अपने पैरों को खोल लें, उंगलियां खुली रखें और अपने हथेली से अपने आप को पीछे की ओर धकेलें। हो सके तो अपनी जो हील्स हैं उनको नीचे रखें। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो बस प्रयास करें इस तरह से और इस पर होल्ड करें। यदि आप अपनी हील्स को या एड़ियों को नीचे नहीं कर पा रहे हैं तो प्रयास कर सकते हैं और अपने आप को पीछे की ओर धकेलिए। यहाँ पर रहिए, श्वास लीजिए और छोड़िए। आप पूरा स्ट्रेच फील कर सकते हैं अपने पैरों पर, हैमस्ट्रिंग में, काफ मसल्स में, और थोड़ा सा ग्लूट्स में भी। श्वास लीजिए और छोड़िए। यहाँ से फिर से अष्टांग नमस्कार आसन में जाइए। श्वास लेते हुए भुजंगासन में आइए और श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में जाइए। हमारा दूसरा आसन जो है वह है उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन के लिए अपने दोनों घुटनों के नीचे रख लेंगे। तो उष्ट्रासन के लिए दोनों घुटनों को हम नीचे रख लेंगे इस तरह से, और घुटनों के ही बल पर खड़े हो जाएं। ध्यान रखिए आपके जो दोनों घुटने हैं वो हिप डिस्टेंस पे ही खुले रहेंगे, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। और अब अपनी हथेलियों से अपने लोअर बैक या कमर को सपोर्ट करेंगे, सहारा देंगे, और ध्यान रखें कि आप अपने घुटनों से अपनी स्पाइन को डायरेक्टली प्रेस नहीं कर रहे हैं। आप अपने हाथों से अपनी स्पाइन को डायरेक्टली प्रेस नहीं कर रहे हैं, बट राइट और लेफ्ट साइड से आप उसको सपोर्ट दे रहे हैं दाहिने और बाईं तरफ से। अब धीरे से श्वास को भरते हुए अपने हथेलियों से अपने पेल्विक या कमर को आगे की ओर धकेलिए और पीछे की ओर देखिए। श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आइए। श्वास लेते हुए वापस ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर,
और श्वास छोड़ते हुए नीचे, और दोनों हथेलियों को अपने घुटनों के सामने इस तरह से रख ले बालासन में थोड़ी देर के लिए, ताकि आप अपनी श्वासों को आराम दे सके थोड़ी देर के लिए। 3 से 5 सेकंड रेस्ट करने के बाद आप वापस आइए फलकासन में या फिर टेबल टॉप पोज में। यहाँ से अष्टांग नमस्कार आसन वापस सामने की ओर, ऊपर उठिए भुजंगासन, और श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। वापस अपने घुटनों को और चेस्ट को नीचे टिकाते हुए आइए अष्टांग नमस्कार आसन में और धीरे से लेट जाएं। तो हमारा जो तीसरा आसन है वह है धनुरासन। तो धनुरासन के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ लेंगे, और यदि संभव है तो अपने एंकल्स या टखनों को पकड़ लेंगे। यदि टखनों को पकड़ना आसान नहीं हो पा रहा है तो हमेशा आप अपने टोस को या उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को आप पकड़ सकते हैं इस तरह से। और अब धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। ध्यान रहे कि आपके जो थाइज हैं उनको भी आप ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए थाइज भी नीचे आएंगी, आपकी जांघें और आपका माथा जमीन पर। श्वास लेते हुए वापस ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। आखिरी बार श्वास लेते हुए ऊपर की ओर और अपनी श्वास को थोड़ी देर के लिए रोके। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए नीचे और धीरे से अपने पैरों को आराम दे। 3 से 5 तक की गिनती के लिए यहाँ पर आराम करें, श्वास और प्रश्वास करें। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। और यहीं से अब आप पीठ के बल लेट जाएं इस तरह से। और जो हमारा अगला आसन है वह है मत्स्यासन यानी फिश पोज। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें पद्मासन बनाना होगा इस तरह से। यदि पद्मासन संभव नहीं है तो आप साधारण सुखासन भी बना सकते हैं इस तरह से। अब अपनी दोनों हथेलियों को अपने कान के पास इस तरह से रख लेंगे और प्रयास करेंगे कि अपना जो अपर बॉडी है या ऊपरी शरीर का हिस्सा है उसे उठाइए, और अपने सिर के ऊपरी हिस्से को जिसे हम क्राउन कहते हैं उसे हम नीचे रख लेंगे, और दोनों हथेलियों को अपनी जांघों के ऊपर इस तरह से रख लेंगे। यह है मत्स्यासन जिसे फिश पोज भी हम कहते हैं। ध्यान रहे कि आपकी लोअर बैक यानी कि आपकी कमर और आपकी पीठ कुछ भी जमीन पर टिका ना हो। श्वास और प्रश्वास करते रहिए, धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। आपके केवल हिप डाउन रहेंगे, लेग्स डाउन रहेंगे और आपके सिर का ऊपरी हिस्सा, बाकी संपूर्ण शरीर ऊपर रहेगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे की ओर आ जाएंगे और अपने पैरों को सीधा कर लेंगे। तो ये था मत्स्यासन। यदि आपको इस तरह से करने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप बोलस्टर की सहायता से, या इस प्रकार का कोई भी आपके पास कोई घर में इस तरह का कोई तकिया या इस तरह से पड़ा हो तो आप इसकी सहायता भी ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम करेंगे। पहले आराम से पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं इस प्रकार से, और ये ध्यान रखिए कि ये जो है ये आपकी अपर बैक यानी पीठ के नीचे होना चाहिए। तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, लगा लें। अपने हाथों की सहायता से
धीरे से पीछे जाएं और अपने हथेलियों को जांघों के ऊपर रखिए और इस तरह से अपने सिर को नीचे टिका लें। तो इस प्रकार से आप आसानी से कई देर तक आप इस पे रुक सकते हैं, यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं और एक से डेढ़ मिनट या दो मिनट भी आप इस पे रुक सकते हैं। और इसे करने के बाद आप आराम से अपने पैरों को सीधा करके और वापस आप ऊपर आ सकते हैं। अब जो हमारा अगला आसन है वह है बद्ध कोणासन, जिसको आप बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। तो उसके लिए आप दोनों सोल ऑफ द फुट यानी दोनों पैरों के तलवों को आपस में इस तरह से कर लेंगे। ध्यान रखिए कि इस प्रकार से आपकी कमर जो है झुकी ना हो, हमेशा स्पाइन जो है स्ट्रेट या सीधी रहेगी। और एक और चीज़, अपने अंगूठों को इस तरह से पकड़ ले, यदि इस तरह से पकड़ने पे भी आपकी कमर में किसी तरह का झुकाव आ रहा है तो आप अपनी दोनों हथेलियों को अपनी पीठ के पीछे इस तरह से रख सकते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे ऊपर और नीचे ऐसे अपने घुटनों को आप करेंगे। कुछ देर के लिए इस तरह से ही करते रहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यहीं पे रुकेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर आएंगे और अगर संभव है तो अपने माथे को यहाँ अपने पैरों पर लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए वापस ऊपर आइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाइए, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए। आप चाहें तो आप अपने पैरों को इस प्रकार से भी पकड़ सकते हैं और यहीं पर रुक जाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर आएं और आराम से। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, यदि आप इस चीज़ का लाभ पाते हैं और आपकी कमर में भी कोई समस्या है इसके साथ ही, तो आपको पूरा नीचे नहीं जाना है, केवल आपको इस तरह से करके यहीं पर रुक जाना है। क्योंकि अगर मासिक धर्म की अनियमितताओं के साथ साथ आपको लोअर बैक या कमर का कोई पेन है और आप नीचे की ओर जाएंगे तो यह दर्द और भी बढ़ सकता है, इसलिए पूरा ना जाने के बजाय केवल सामने इतना ही आप रहेंगे इसमें। और कुछ देर के लिए इस तरह से होल्ड करके आप वापस आ सकते हैं। अपने पैरों को सीधा करके आप थोड़ी देर इसको शेक करें, रिलैक्स करें और आराम से। तो ये थे आपके 5 आसन जिनको आप लगातार अभ्यास करके अपने दैनिक जीवन में आप मासिक धर्म की अनियमितताओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। और ध्यान रखिए, इसके साथ साथ आपको अपने भोजन पर भी ध्यान देना है और किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या तनाव ना लें जिससे कि ये समस्याएं और बढ़े, क्योंकि तनाव का भी इस समस्या से सीधा सीधा संबंध है। तो तनाव किसी भी प्रकार का ना लें और स्वस्थ रहें। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।